Most of the people only talk about girl education, but there are very few people who actually take initiative to empower the girls. Today we are in Gargi Girls School, Meerut, and we are going to talk to its managing trustee, Mr.D.K.Garg, who is responsible for developing this education paradise for the people of Meerut. Hello everyone. Today we are in Gargi Girls School, Meerut, and we have with us the managing trustee of the school, Mr.D.K.Garg. Welcome to Myedubag, sir. I'm D.K. Garg. Yes, sir. I started education field in 1992. Yes, sir. From Diwan Public School, Meerut. Okay. Western Road, Meerut. I establish, construct, and run that school for 11 years. Okay. After that, I have started this school, this Gargi Girls School, in 2008. Okay. 2007 started, and 2008 started the academic year. Okay. 2007 mein isko construct karna shuru kara tha, aur 6 mahine mein isko taiyar karke is 2008 mein, April 2008 mein academic mein mera interest bahut pehle se tha. जी सर, इसलिए मैंने दीवान पब्लिक स्कूल लिया था और दीवान पब्लिक स्कूल मैंने शुरू किया था. मिस्टर दीवान मेरे दोस्त थे. ओके. और वो स्कूल मेरा ही आइडिया था. ओके. और मैंने ही उस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया और 11 साल चल रहा है. अच्छा. 11 साल बिल्कुल इंडिपेंडेंट चलाया, उसमें किसी का दखल नहीं था. और उसके बाद जिसको इसका अकेडमिक ईयर शुरू किया गया, इसमें टीचर्स की ही अपॉइंटमेंट किया गया, प्रिंसिपल का अपॉइंटमेंट किया गया. ओके. उसके बाद से ही स्कूल चल रहा है. ऑलमोस्ट 12 साल हो गए. जी. तो आजकल डॉक्टर अनुपमा सक्सेना इसकी प्रिंसिपल हैं. जी. पिछले 8 साल से. जी. और बाकी स्टाफ भी काफी पुराना है. सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अबाउट डिजिटल एजुकेशन है, बिकॉज आपने तो एजुकेशन को बहुत ही ट्रांजिशन फेज में देखा है, तो आपका क्या व्यूज है अबाउट डिजिटल एजुकेशन? मैंने डिजिटल एजुकेशन सबसे पहले शुरू किया था मेरठ में. अच्छा सर. मेरठ में सबसे पहले एडुकॉम वालों की माध्यम से स्मार्ट क्लासेस मैंने ही शुरू किए थे. अच्छा सर. तब तक मेरठ में स्मार्ट क्लासेस नहीं हुआ करते थे. मैंने पूरा स्कूल डिजिटल किया था. अच्छा. पूरा स्कूल स्मार्ट किया था और उन्होंने पूरे क्लासेस में, हर क्लासेस में स्मार्ट बोर्ड लगाए थे. आज भी लगे हुए हैं. अच्छा. आज भी चल रहे हैं. अच्छा. डिजिटल क्लासेस बहुत अच्छी चीज है और बच्चों को उससे ज़्यादा समझ में आता है. जी. और ज़्यादा अच्छा कंटेंट्स उनको प्राप्त होता है. जी. इसलिए हम लोगों ने उसका प्रेजेंटेशन भी लिया था. प्रेजेंटेशन लेने के बाद मैंने देखा, मुझे लगा कि डिजिटल क्लासेस ज़्यादा अच्छी हैं, स्मार्ट क्लासेस ज़्यादा अच्छी हैं. जी. पर इस वक्त सिर्फ एकेडमिक क्लासेस. एकेडमिक, राइट. सर, आजकल हम देख रहे हैं जैसे मोबाइल ऐप्स बहुत सारी आ रही हैं. डिजिटल क्लासेस तो स्कूल में हो गया, लेकिन मोबाइल ऐप एक ऐसा कंस्ट्रेंट भी है जिससे बच्चों की आंखों पर असर आता है. तो मोबाइल ऐप क्या व्यूज़ है? देखिए, ऐसा है कि बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए. उससे बच्चों की आंखों पे भी असर पड़ता है और बच्चों की मेमोरी पे भी असर पड़ता है. right. बच्चों को मोबाइल ऐप से अगर पढ़ाया जाए या मोबाइल ऐप दिया जाए तो वो मोबाइल के आदि हो जाते हैं. okay. फिर ना तो होमवर्क करते हैं, ना ही उनका लिखने में मन करता है. अच्छा. उन्हें सब कुछ जो है फिर मोबाइल पे चाहिए. डिजिटल क्लासेस तो क्लास में देखी, कंटेंट बताए, उसके बाद बंद हो गई, उसको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया उसने क्वेश्चन पूछा टीचर से, कर लिया. लेकिन मोबाइल पे तो ऐसा नहीं हो सकता. राइट. मोबाइल पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, इसलिए मोबाइल स्टूडेंट्स के लिए बेकार की चीज़ है. राइट. सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट होमवर्क. हम जानते हैं कि बच्चा 6 से 7 घंटे ही सिर्फ स्कूल में स्पेंड कर रहा है, बाकी वो टाइम घर में स्पेंड करता है. देखिए, होमवर्क जो है मेरा हमेशा से भी पॉलिसी रही है और मैं आज भी इसी विचार का हूँ. होमवर्क दिया जाना चाहिए, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए. अच्छा. जितना भी काम
ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में कराया जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। बच्चों को आजकल खेलने का टाइम नहीं मिलता है, बच्चों को जाके घर पे है जो है सिर्फ माँ बाप होमवर्क में लगा देते हैं या पढ़ने की किताबों में लगा देते हैं, समझे, ये ठीक बात नहीं है। बच्चों को होमवर्क दिया जाना चाहिए लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दो पेज का। तो सर इसमें पेरेंट्स का रोल होना चाहिए होमवर्क में या सिर्फ उनको अकेले करना चाहिए? उनको अकेले करना चाहिए, हाँ, अगर कुछ हेल्प की ज़रूरत हो तो वो अपने मम्मी पापा से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन हेल्प से ज़्यादा आगे की बात नहीं होनी चाहिए कि माँ बाप ने हाथ से ही होमवर्क कर देते हैं। जब होमवर्क में ही उसके साथ लगे रहते हैं, कई कई घंटे होमवर्क ही सिखाते रहते हैं, नहीं, होमवर्क जो है बच्चे को खुद करना चाहिए, इसीलिए होमवर्क दिया जाता है कि वो खुद करें, और अगर वो खुद करेंगे तो उन्हें रिवीजन भी होगा और उसके फायदा भी मिलेगा। राइट सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है अबाउट टीचर्स, बिकॉज अगर हम देखें तो बहुत सारे स्कूल्स हैं हर सिटी में और रिक्वायरमेंट भी है, तो बेसिकली इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो आपका टीचर्स के लिए क्या मैसेजेस जो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं या फिर आ चुके हैं? देखिए, जो आ चुके हैं इस प्रोफेशन में उनको मेरा मैसेज ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, समझे, बच्चों के प्रति वफादार रहें और बच्चों को सिखाने की कोशिश करें, बच्चों को डिवोट, बच्चों के प्रति डिवोट रहें, एजुकेशन पर फोकस करें, जो आना चाहते हैं जी। ये प्रोफेशन बड़ा नोबल प्रोफेशन है, आपकी इज्जत भी है और आपको पैसा भी है, आज की तारीख में इसमें पैसा भी हो गया है, आपकी डिमांड भी है और आपकी तारीफ भी है जी। इसलिए आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, और जगह धक्के खाने की बजाय तो आप एजुकेशन फील्ड में आए, आपकी इज्जत भी मिलेगी और आपको जो है बहुत अच्छा व्यवहार भी मिलेगा। सर वी आर वेरी थैंकफुल टू यू बिकॉज आपने हमें थैंक यू एंड माय डू बैग की तरफ से मैं आपको फिर से एक बार थैंक यू कहता हूँ। थैंक यू सो मच।